बहुत शुक्रिया, बड़े शोर्ट जिहे नोटिस दे उत्ते इत्थे 71 होए जे जिहड़ा G20 अमृतसर होण जा रहा सी उहदा जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट है उहने जिहड़ा समिट है उहना कैंसल करन दा जिहड़ा ओह कर दित्ता आ, जिहड़ा कि साडे कोल मीडिया राही दूजे तरीके दे नाल जिहड़ियां खबरां पहुँच रही ने जो कि बहुत मंदभागी गल है क्योंकि अमृतसर एक टूरिस्ट सिटी है और बहुत वड्डियां तैयारियां अमृतसर च हो चुकियां ने। दिन ते हफ्ता एक रह गया सारा, ये देखो एक वरतांत रचिया जाता है जिस तरीके दे नाल पिछले दिनों दे विच इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ते प्रिंट मीडिया ते इंडिया टूडे वर्गे वड्डे मैगजीना दे उत्ते फ्रंट पेज ते अमृतपाल दी फोटो ला रहे ने, जिस तरीके दे नाल उहदी कवरेज हो रही है वह नैशनल मीडिया ते किसी भी ओपोजिशन लीडर की खबर नहीं दिखाई जाती और जिस तरीके ना उसकी कवरेज हो रही है पिछे जा जाके उसकी लंबिया लंबिया इंटरव्यू खाई जा रही, उदो ही शंका पैंदा सी कुछ ना कुछ वापरन वाला है। पर वो एक देखो उसदे कोल बहुत वड्डी फोर्स नहीं, वो तो विचारां दी लड़ाई लड़ रहा, गल कर रहा वा, उसदे नाल विचारां दी लड़ाई लड़ सकते जां कोई कानूनी जो कोई गल प्रॉब्लम है तो तुहाडे कोल इन्नियां फोर्सेस ने, इन्ना लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, कानून दे नाल गल करो। पर इहदी सज़ा अमृतसर नूं क्यों, इहदी सज़ा पंजाब नूं क्यों, साडा की कसूर है? ये नाल सानू बहुत वड्डा इकनोमिकली फायदा मिलना सी, जिन्ने देश आने सी इंटरनेशनल मीडिया आना सी, अमृतसर की इकोनमी च वाधा होना सी, साडे आपसी रिलेशन जिहड़े आ वो स्ट्रोंग हुंदे आ। पर जिस तरीके दे नाल ये कैंसल किया गया ये बहुत मंदभागा आ और ये जिहड़ी मान सरकार है जिहड़ी आप सरकार है उन्होंने भी जिहड़ी पिछले समय च कानून व्यवस्था जिस तरीके नाल ढिल्ली हुई है पंजाब दे विच वो भी एक इनू कैंसल करन दे विच एक मतलब वाधा किया उस गल दे विच उन्होंने भी मतलब जिवें अग दे उत्ते तेल जिहड़ा घ्यो आ वह घ्यो वाला काम किया अग दे उत्ते। सो ये चीज़ां नू सानू कंट्रोल करना चाहिए सी। अज पंजाब दे विच कोई ऐसी जी गल नहीं, आम लोगों की जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल है। ये तो एक कुछ लोग ने ना जिहड़ी अपनी गल रख रहे ने, उन्हां नाल सरकारां गल करन जां सरकारां उन्हां ते कानूनी कार्रवाई जिहड़ी बनदी उह करन, पर उहदे नाल तुसीं एडे एडे वड्डे इवेंट नूं जदों चेंज कर दोगे इहदा मैसेज की जाऊगा ऑल ओवर दुनिया दे विच? बहुत माड़ा मैसेज जाऊगा साडे प्रति भी, साडे अमृतसर दे टूरिस्ट प्रति भी, अमृतसर दी इकोनमी प्रति भी, लोकां प्रति भी, पंजाब प्रति भी। ये क्यों दिखाया जा रहा? करीब 3 करोड़ की आबादी वाला सूबा है, असीं कोई इहो जिहा काम नहीं करते। सारे लोग अपनी दह नौ की किरत करते हैं, मेहनत कश लोग ने। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है उहदे नाल सरकारां ने निपटना है, आम पब्लिक का की कसूर है? इस G20 का फायदा साडे आम पब्लिक, आम लोगों, आम शहरियों नूं होना सी और साडे पंजाब नूं होना सी, अमृतसर नूं होना सी। गलत सानू इस गल की है कि इन्हां ने एक उस चीज़ नूं मैनूं, मैं फिर कहना है कि साडी कोई भी गल नैशनल मीडिया दे अजकल स्टेट मीडिया दे भी नहीं विखाई जाती। स्टेट मीडिया नूं भी कहा जाता कि एक PC कवर करनी है, ये नहीं करनी, तो उहदियां इंटरव्यू लगातार चला रहे सारे मीडिया। कारण की है? मिनट मिनट दे न्यूज़ दे रहा, क्यों माहौल बनाया जा रहा? आम पब्लिक, आम लोग जिहड़े दिहाड़ीदार लोग ने, मजदूर लोग ने, दुकान वाले लोग ने, फैक्ट्रिया वाले लोग ने, पढ़न लिखन वाले बच्चे ने, वो कितने इन चीज़ों का सहमत ने? पर तुसीं उन्हूं बहाना बना के अज एक नवा ही चेहरा साडा दे जा रहे जे, बजाय इहदे कि कानून स्थिति नूं तुसीं काबू करो लोगों नूं सज़ा देण तुर पए जे। असीं ते पंजाब दे विच अमृतसर खासकर सैकुलर सोच दा पक्खी आ पक्खी हंगारा हमेशा भरिया है। हरिमंदर साहब चार दरवाजे जिहड़ा कि हमेशा शांति का प्यार का संदेश दिंदा है, जे कोई बंदा उत्थे कोई गलत हो रहा तो निजिठो उहदे नाल, सज़ा दूजिया नूं क्यों? जे जनाले घटना हुई है कुछ होया वा सज़ा गल उन्हां नाल करो, उहदा बहाना बना के लोगों नूं सज़ा देना बहुत माड़ी गल है। दोवां सरकारां दा फेलियर है इस काम दे विच, स्टेट गौरमेंट का भी और सेंटर गौरमेंट का भी। पर सज़ा किनू मिली इन्हां दोवां दे विच? सज़ा सानू। और मैं तुहाडे रही बेनती करना चाहुंदा सरकार नू, फिर मेरी हाथ जोड़ के बेनती है इनू कैंसल ना किया जाए, इनू दोबारा इत्थे कीता कराया जाए। कोई अहिजी गल नहीं, तुहाडे कोल फोर्सेज ने, सारी चीज़ है, लोग सहयोग देण नू तैयार ने, सारा शहर सहयोग देण नू तैयार है, वेलकम करन नू तैयार है। जे कोई माड़े आंसर ने तो तुहाडी इंटैलीजेंस फेल हो सकती है, उत्तों कम लो, CID तो कम लो। पर तुसीं आ जिहड़ा काम शुरू कर दिता कि इहनू इत्थों लॉ एंड ऑर्डर का बहाना बना के इहनू ना करना, ये बहुत मंदभागा। मैं दी
कड़े शब्दों के निंदा करता। मोदी जी का मीडिया चलता, इतने केजरीवाल जी का मीडिया चलन दिया, कंट्रोल किया जाता। ओपोजिशन की कोई गल ही ना रखो, जो तुम ओपोजिशन की गल नहीं रखनी तो फिर अजे मतलब तत्ता की गल जिहड़े तंत्र आ जिहड़े लोग तुसीं समझदे जे सारा पंजाब समझदा माहौल खराब कर रहे उन्हां तुसीं लंबियां इंटरव्यू चला रहे जे क्यों क्यों दस्या जावे। एमपी साहब वो कह रहे कि G20 दी जिहड़ी कमेटी बनी सी वो प्रबंधां तों सैटिस्फाइड नहीं है। क्यों नहीं प्रबंधां तों सैटिस्फाइड? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਮ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਵੇਖੋ ਮਤਲਬ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਵਲੰਟਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਵਲੰਟਰਲੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੌਂਕ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। सब तो वड्डा माहौल देखो दोवें सरकारां जिहड़ियां ने मीडिया का गलत यूज करके सजा लोगों दे रही ने। मैनूं दस्या जावे कि नैशनल मीडिया से कभी ओपोजिशन की खबर नहीं चल सकती। भारत जोड़ो यात्रा चलाई किसी ने कवर ही नहीं दी नैशनल मीडिया ने। अज अमृतपाल भारत तोड़ो करके विखाया जा रहा कि भारत तोड़ रहा। जे तोड़ रहा तो उहदे नाल गल करो, साडा की रौला है? अमृतपाल जाने सानू तो यह दस्या जाए भी अमृतसर ची तो की कमजोरी है कि अमृतसर G20 नहीं हो रहा तो की कमजोरी समझाया जाए। मैं जी नहीं ना मानते थानू आपे पता लग ही जाना तुम इतने बैठे जे अच क्यों ने जे नहीं मानते तो मेरी पीसी क्यों रोकया जा रहा। मेरी पीसी के चैनल मैं थोड़े माध्यम रहे कहना उन्होंने फोन किया गया किसी ने पीसी नहीं कवर कर जाना तो पता लग ही जाना किन्ने स्टेट चैनल से चलती जां नैशनल चैनल से मेरी पीसी चलनी तो पता लग जाना। जे इहो जी गल सी मैनू पीसी कर दिओ तुसीं सामने कर रख दो। नहीं बई कौन रोक रहा ओला साहब तुहानू? मैनू थोड़ा रोक रहा, मैं पीसी करनी है। स्टेट रोक रही है चैनल जिहड़े तुहाडे जिहड़े स्टेट जिन्हां नूं पे करदी है ते जिन्हां नूं सेंटर पे करदा उन्हां नूं सेंटर रोकदा है। दोवें जॉइंटली गुरजीत ओला दी पीसी रोक रहे आ। देखो ये गल्लां दे बाहर नहीं रहणी आ। मेरे को पीसी ना कीते गल रुक जूगी? सच ते सच रहना, सच थोड़ा ना मर लगा है, मरिया झूठ हुंदा आ, इह सच रहना आ, सच्चाई इहो ही आ। हाँ जे तुसीं इदां ते तुसीं भाई तुसीं कह दिओ असीं मान लांगे भी साडे कोई गलती होई, बट ये है आ तां ही ते इन्ने तत्पर होए ने ना। जवाब क्यों नहीं आ रहा इन्हां नूं इस गल ते? सो मेरी एक ही बेनती है, देखो साडा अमृतसर टूरिस्ट सिटी है, सब तो वधिया एयरपोर्ट साडे को आ, सब तो वध फ्लाइटां साडे को आ। 33 मिलियन नूं असीं टच करन जा रहे फुटफॉल नूं अमृतसर। तुसीं इहो जी साडा चेहरा ना दो भी इत्थे हालात नहीं ठीक। तुसीं इत्थे G20 करो असीं जिम्मेवारी लैंदे, कोई भी हरकत हो जाए सानू सज़ा दे दिओ। ओ यार अमृतसर की धरती नूं प्यार करदे आ, माड़े तो माड़ा आंसर भी उस दिन कोई इहो जिहा काम नहीं करूगा। मैं तुहानूं यकीन दिवाउणा है बदनाम बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जदों इहो जी गल होऊगी तो बदनामी है ना साडी। फिर जदकि अमृतसर कदी भी अमृतसर के लोग इहो जिहियां गल्लां नाल सहमत ही नहीं है। अमृतसर नूं लोग प्यार करते हैं, जे तुसीं उन्हां नूं अपील भी कर दोगे, जे तुहाडी कोई उन्हां नाल मुखालता आ उन्हां नूं अपील कर दो भाई आ 5 दिन जे तुसीं कोई काम नहीं करना पंजाब जिहो जिहा जिहड़ा साडे लई गलत मैसेज होवे। मेरा ख्याल मन्नणगे जिहड़ा नहीं मानदा तुसीं कानूनां नाल निपटो उन्हां नूं। ओला साहब इस दे विच तुहानूं जे पोलिटिकली देखा जावे केस दा केंद्र सरकार दी नीयत दे उत्ते तुसीं सवाल चुकदे जां पंजाब सरकार? भाई मैं दोवें गल्लां क्लीयर रख लईआं, हुण इहदे जो गल तुसीं कढ लो भी किहदे ते गल आ रही है। मैं तुहानूं क्लीयर गल्लां करते मैनूं इक्को गल समझा दो कि नैशनल मीडिया ते कोई न्यूज़ केंद्र दी मर्जी तों बगैर चलदी आ? पौना पौना घंटा उन्हां नूं दिखाया जा रिहा, क्यों दिखाया जा रिहा? क्यों नहीं जिहड़े कश्मीर दे जिहड़े 370 तोड़ी कई उन्हां दे जिहड़े एक्सट्रीमिस्ट है जां उन्हां दे जिहड़े कट्टण ने कदी उन्हां दी इंटरव्यू दिखाईआं जी कि उत्थे की वापर रिहा? कदी जम्मू कश्मीर दी इंटरव्यू दिखाई है? उत्थे तां कितें सब कुछ ठीक है। असीं स्टैंडिंग कमेटियां च उत्थे गए आ, सानूं बुलेट प्रूफ गड्डियां च बाड़ बाड़ के बाहर नहीं निकल दिता, घुमाया जा रहा, दे नाल मैसेज दिता जा रहा,
स्टैंडिंग कमेटियां सारिया जम्मू कश्मीर वधिया घूम रही ने, जबकि उत्थे तनाव वाला माहौल है। कोई शक नहीं कि आज यात्रा गई है वधिया गया, बट साडे इत्थे जिहड़ा अमृतपाल वाला जिहड़ा केस है उन्हूं एक जरिया बना के साडा बहुत वड्डा इवेंट जिहड़ा आ उह साडे तों खोया जा रहा। मेरी इक्को ही बेनती है, काम ना करो, इवेंट अमृतसर कराओ। अमृतसर दे मैं शहरियों वालों जिम्मेवारी लैंदा, मैं अमृतसर दे इलाके वालों जिम्मेवारी लैंदा, पंजाब वालों जिम्मेवारी लैंदा। इत्थे कोई इहो जिही गल नहीं होगी जिहदे ते साडा अक्स माड़ा जाऊ। लोग प्यार करते ने पंजाब नूं, अमृतसर नूं मत सोचो। भारत जोड़ो यात्रा लगातार चली जी 4000 किलोमीटर है, उदो तो कभी कोई एक पोर्शन नहीं विखाया जाता उन्होंने चैनल जो अमृतपाल चला रहे देखो मैं देखो मेरे को पुख्ता इनफॉर्मेशन नहीं है, पर जे जो हालात बन रहे हैं जिस तरीके का कैंसलेशन हो रही है फिर क्वेश्चन मार्क इन्हें तो लगना ही लगना है। देखो स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर लॉ एंड आर्डर का है, वो नहीं कर पा रहे, वो लाहा लै रहे हैं, उन्हें पोलराइजेशन करवाई ने। जवाब सरकार दे, सारिया चीजा बहाना बनाया जा रहा। यह वारदातां दूजिया स्टेटा च नहीं है, किन्निया स्टेटा जो बाहर प्रवासी उन्होंने कुटिया मारिया जा रहा, किन्निया स्टेटा जो बीजेपी के वर्कर पुलिस को कुट रहे हैं, समुचिया पार्टियां भी करदा अमृतसर का G20 कैंसल ना किया जाए। काफी लंबा समा हो गया, हुण तक कहिंदे कार्रवाई नहीं हुई, डीजीपी भी कहिंदे कार्रवाई करांगे, एसआईटी भी बन गई है, G20 फुल ने अमृतसर।